तो एक ही को तो मारा ही मारा जाने में नहीं है। इस 6 महीने के बच्चे में क्या हुआ था? इसकी खता यही थी ना कि ये प्यासा था, इसकी खता यही थी ना कि ये प्यासा था। वीडियो से व्यवहार आपके सामने हुसैन के 6 माह के अजहर का गहवारा आने वाला है। सलाम कर लेना, मैं अक्सर कहा करता हूँ ये दूरे नजर से अभी याकूत बनेगा, जिस झूले में झूला है वो ताबूत बनेगा। आज जब इसका गहवारा आ जाए तो हम आपको तो पूछा अल्लाह में नजर में पेश करते हो हुसैन की मजलूमियत पर, ये उसका तबरुक आ रहा है। अकबर के जनाजे पे अब्बास बाजू जब करते उस मौके पर नहीं, हुसैन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हजरत के लिए सवाल आप करना था, और उससे बड़ी मुसीबत असगर को पानी मिलना ना था, उससे बड़ी मुसीबत इस नन्ही सी गर्दन पर तीर लगना था। जैसे तीर लगा है हुसैन ने एक सुबह तुम्हें याद किया है, ए मेरे शियों काश तुम होते और देखते कि मेरे असगर के लिए सवाल आप कैसे चुके। मदीने से जब 17 दिन का असर चलने लगा, बहन सुरा अपनी आगोश में लेकर के बैठ गई, बहन से निपट गया, जाना नहीं चाहता था या बहन की आगोश नहीं छोड़ना चाहता था। हुसैन तक खबर पहुंची कि असर बहन की आगोश छोड़ने को तैयार रहा है। हुसैन आए, जैसे बेटी ने बाबा को आते हुए देखा, आज भूल आ जाए चलो एहसास से दुनिया में उस बहन को भी सलाम कर लिया। तो मदीने में इंतजार करोगी क्या क्या सबसे सजोई के अंदर की उसने, तो जैसे ही हुसैन आए सुबह रोती हुई आई, बाबा इस सब हमसे कहते हैं असगर को पहुंचे, बाबा असगर जाने को तैयार नहीं, उसे पता है कि बहन बीमार है, अकेली रहेगी मर जाएगी, बाबा ये मेरे साथ रहना चाहता है, बाबा आप तो नहीं लेके आए वो असगर। तो हुसैन असगर के कानों में कुछ कहते हैं, जैसे ही कहा असगर ने बहन की आवाज छोड़ दी, सुबह रोती भी आई, बाबा से कहते बाबा अब इसके किसी की आवाज में जाने को तैयार न था, आपने इसके कानों में क्या कह दिया कि इसने मेरी आवाज छोड़ दी। ससुरा मैंने कहा आप उठी नहीं है, मैंने उससे इतना कहा असगर ठीक तो है, बहन के साथ मदीने रह लो, ये असगर मैं तेरे हिस्से का तीर अपनी गर्दन पर बोलूंगा। उस असगर को ये बवाल हुआ बाबा ये तीर मेरे हिस्से का है, मैं तेरे गर्दन पर लूंगा। असगर का आपने गहवारा अपनी आओ अपने कांधों पे उठा करके हुसैन गरीब का असगर की मजलूमियत का असगर की प्यास का पुरसा पेश कर दिया। लीजिए अब आपके सामने कयामत पर पा होने वाली पुरसा पेश कर लीजिएगा और सलाम कर लीजिएगा। बस पुर्ती को रुकावट बन गए आपके सामने प्यारा के लिए लाए जाने वाले आज चलू है। सुरा को किसने सबर की उल्मा तशी फरमा मुझे बताएं सुरा को कैसे खबर होगी कि आप क्या सुनकर चलू है। इंतजार में किसी चीज की हल होती है, सबसे इंतजार में वही है कोई तो खबर करती है। एक रोज जब सुबह का सूरज निकलता है नमाज अदा करके घर पे बैठ जाती है
नजरें बिछाए बैठी हुई है, अब बर्बादा होगा लेने के लिए। कहना जैसा मेरा भाई है किसी का नहीं, ऐसा थोड़ी है कि बहन को भूल जाएगा। जैसा मेरा बाबा है किसी का बाबा नहीं है, तो थोड़ी है कि बाबा फरामोश कर देगा। मैं कहीं मर मर जाऊँ, मेरा बाबा पर कह सोना मर गई, कहीं अकबर आ जाए और मर जाऊँ तो कहेंगे सोना मर गई। अब इंतजार मर जाएगी। कभी भी अपने बाबा के नाम एक नामा लिखो। उसने अपने बाबा का नाम अल्लाह जाने क्या क्या लिखा होगा। ये बेटी समझ सकती है, बाप समझ सकता है। बीबी ने आंसुओं के साथ अपने बाबा को तहरीर लिखी और इस शर्त को दे दिया कि अरब अरब लेकर के चला चल पता चला तो वापस लौट आया। जैसे वापस लौट करके आया तो आवाज दिया, बीबी एक बात बताओ, मैं आपके बाबा को पहचानू पर कैसे। यार तुमने क्या सवाल कर लिया है बेटी से जो इंतजार कर रही है। सुनो जैसी मेरे बाबा की शान है, क्या नाम में किसी की नहीं है, क्या शान है। मेरे बाबा के ऊंचे मकाम पर बैठा हुआ होगा, देखना उसके दाहिनी तरफ सामने 35 साल का जवान खड़ा होगा, शुजा है बहादुर, वो मेरा अपना चचा अब्बास है। तो मेरे बाबा का शिव है और देखना प्यासा मारा गया, हाय गुरबत
کربلا کے پہلے عزادار، کربلا کے پہلے صف ماتم بچھانے والے۔